हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, सर माइक्रो फाइनेंस लोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। तो मैं आज माइक्रो फाइनेंस लोन के बारे में ज़्यादा बताऊंगा। इसको मैं 4-5 एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बहुत बड़ी है। बहुत सी कंपनियाँ हैं, जैसे अपने अन्नपूर्णा है और मनोरमा है, फिर बहुत सी सारी कंपनियाँ। तो मैं कंटिन्यू एक एक पार्ट लेकर बताऊँगा, इसमें काम कैसे करना, नई फाइल कैसे मिलती है और क्या कितना सैलरी मिलता है। तो आज मैं बात करूँगा ये अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस। अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस देखो बहुत बड़ी कंपनी, बहुत मल्टी लेवल पर कंपनी है। इसमें अगर आपको जॉब मिलता है तो आपको टेंशन नहीं है। आपको इसमें मिनिमम फील्ड ऑफिसर की जॉब 14,000 लगभग होती है। मैं एग्जैक्ट सैलरी पर मैंने जो गूगल में सर्च किया और निकाला मैंने, और बात भी किया मेरे दोस्तों से, तो बताया कि अगर लोन ऑफिसर है तो 14,000 को 700 रुपये, मतलब 15,000 रुपये सैलरी बनेगी। फील्ड ऑफिसर की 13,227 रुपये सैलरी बनेगी। और बैंक मैनेजर की सैलरी करीब 15-16,000 सैलरी रहेगी। ये सैलरी बढ़ती भी है, ठीक है। ये सिर्फ सैलरी है, इसके ऊपर इंसेंटिव मिला गया। इंसेंटिव मैं मान लो आप अगर अच्छे से लोन करते हैं तो 5-6 हज़ार भी मिलता है, तो आपको मिल जाएगा करीब 20,000 मिल जाएगा। इसमें वो पेट्रोल कन्वेंस भी अलग से देंगे या साथ में देंगे, लेकिन आपकी 20-22 हज़ार रुपये की सैलरी बन जाएगी। अब आपको करना क्या है, इसमें समूह में लोन बांटना है। ये जो अन्नपूर्णा फाइनेंस है, ये समूह में महिलाओं को लोन देता है और ग्रुप लोन देता है, मतलब समूह में देता है। स्मॉल बिजनेस लोन, अब ये स्मॉल बिजनेस लोन क्या होता है, छोटे छोटे व्यापारी होते हैं गांव देहात में, छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, कहीं शहर में भी कोई छोटा दुकान खोलना चाहता है जिसमें 1.5-2 लाख की आवश्यकता है, तो आप उसको लोन दे सकते हैं। ये होता है स्मॉल बिजनेस लोन। अब इसमें हाउसिंग लोन भी आता है। इसमें हाउसिंग लोन भी, वो लोन में आपको हाउस के लोन देना पड़ेगा, ज़्यादा 3 या 4 लाख रुपए का ऐसा प्रॉपर्टी बेस पे, या आपकी रिक्वायरमेंट कितनी रह सकती है, आदमी कैसा है, उसकी ज़मीन की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर से आप लोन दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 3-4 लाख रुपए छोटे मोटे घर के लिए, कमरे के लिए लोन दिया जाता है, बड़ा लोन नहीं दिया जाता। बड़ा लोन महिंद्रा फाइनेंस हो गया, सब महिंद्रा होम फाइनेंस हो गया, उसमें दिया जाता है। इसमें आप छोटे छोटे लोन को टारगेट करते हैं। माइक्रो लोन का टारगेट ही छोटे छोटे लोगों का है, जो गरीब हैं, जिनका कोई बैंक लोन नहीं देती, जिनका कोई लोन नहीं देता, उनको बैंक लोन, उनको ही लोन देना है। इसका थीम भी वही है और इसी पर्पस और इसी प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहा है और चल रहा है, बहुत आगे जा रहा है। तो मैं बोलूँगा अन्नपूर्णा में जॉब करने के लिए आपको गूगल पे जाइएगा, माइक्रो फाइनेंस अन्नपूर्णा फाइनेंस कैरियर बोल का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर जाकर देखिएगा, वहाँ रिज्यूम सबमिट करिएगा, उसमें कैरियर का ऑप्शन देखिएगा, तो अपना डिटेल अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। 12 बेस में भी चलेगा, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट तक चलेगा, या फिर अन्नपूर्णा फाइनेंस का ऑफिस का अगर एड्रेस कहीं निकलता है, आप किसी भी समूह में जाएंगे अपने आसपास के, जहाँ पर समूह में लोन बिकता होगा, देते होंगे, वहाँ पर जाकर पूछे पता करेंगे कि अन्नपूर्णा का ऑफिस कहाँ पर है, तो कोई बता देगा। बहुत इजीली लेवल पर आपको ऑफिस मिल जाएगा और इसमें काम आप आराम से कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है। एक शुरुआत करने के लिए, आपको फाइनेंस लाइन में जाने के लिए माइक्रो फाइनेंस बेस्ट, अन्नपूर्णा सबसे बेस्ट फाइनेंस अच्छे, बहुत और शायद ना मिले, लेकिन अन्नपूर्णा का जब मैंने जब रिसर्च कर रहा था तो उसकी क्वालिटी, उसके बिजनेस बहुत ज़्यादा है। अभी तो मैंने 4-5 लोगों को बताया, 4-5 लोग और है जिसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। ये बस है कि हम कहाँ कहाँ काम करेंगे तो मज़ा आएगा, लगेगा कुछ गरीबों के लिए कुछ किया है, सब कुछ किया है, तो ऐसा होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी दिनों में वीडियो लाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।